फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन अदर वीडियो इन यूट्यूब चैनल CENT इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं मैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ कॉलम फॉर बिल्डिंग और हाउस। आप मोस्टली जो डिज़ाइन नहीं करते, सबसे पहले कि मोस्टली क्या होता है, डिज़ाइन होता है कॉलम के लिए, एक कॉलम का डिज़ाइन होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, वो डिपेंड करता है आपके लोड पर, ठीक है। तो इसमें चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद आपको टेबल बता देता हूँ मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर वर्क के लिए, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, अगर आप बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं या फिर आप घर बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड साइज हमें फाइंड आउट करना है कि हम इसमें साइज क्या ले सकते हैं कॉलम के लिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, द साइज ऑफ द कॉलम डिपेंड्स ऑन द टोटल लोड ऑन द कॉलम्स। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉलम का डिज़ाइन करेंगे, फिर स्लैब का डिज़ाइन करेंगे, तो इसमें सिम्पसम से क्या डिपेंड करता है, कॉलम का साइज जो डिपेंड करता है कि इस पर टोटल लोड पर ऑन कॉलम पे, आपका स्लैब का लोड होगा, लाइव लोड होगा, डेड लोड होता है, डेड लोड हो गया, जो भी डिफरेंट डिफरेंट लोड है वो आपके कॉलम पे डिपेंड करता है कि कॉलम पर क्या लोड आपका रिफेक्ट कर रहा है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या, आपका मिनिमम साइज, आपका मिनिमम साइज क्या रहेगा कॉलम का। अगर आप कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम साइज कॉलम का, तो सुन नोट, लेस बी लेस देन 9 इंच बाई 9 इंच का अगर आप कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 9 इंच बाई 9 इंच क्यों ले रहे हैं, आपकी जो ब्रिक वर्क का साइज होता है 9 इंच का होता है, ठीक है, 9 इंच बाई 9 इंच, तो ब्रिक वर्क का साइज होता है 9 इंच बाई 9 इंच का, तो उससे नीचे आप कॉलम को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपका 4 इंची का है, तो आपकी इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 4 इंची बाई, तो कॉलम का जो लेंथ है वह इंक्रीज हो जाएगी, तो ये आपकी 12 इंच तक हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये आपका, 9 इंच टू 9 इंच कॉलम आर टू बी यूज फॉर ए सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर विद M15 ग्रेड। अगर आप सिंगल स्टोरी मतलब एक ही रूफ, मतलब एक फ्लोर या फिर एक छत आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप 9 इंच का 9 इंच का कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसमें आप रेनफोर्स क्या, ग्रेड ऑफ रेशियो क्या लेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेंगे, आप M15 तक ले सकते हैं। तो मोस्टली जो कंक्रीट होती है M20 तक लेते हैं, ठीक है, अगर आप, डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आपका लोड स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, या फिर आप मोस्टली घर बजट के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप M15 ग्रेड तक ले सकते हैं, 1:2:4 रेशियो का, एक क्या आपका सीमेंट है, 2:4 आपकी जो सैंड है, और 4 आपका एग्रीगेट। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या आपका, इफ यूज ऑफ 9 इंच बाई 9 इंच, अगर आप कॉलम अपने घर में कॉलम बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो 9 इंच बाई 9 इंच का, और या फिर 9 इंच बाई 12 इंच का, क्या करता है आपका, डिपेंड करता है 1.5 स्टोरी, एक आपने ग्राउंड फ्लोर किया, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपने ऊपर भी घर बनाना चाह रहे हैं, वह क्या होगा, ओनली जस्ट टोटल एरिया का, टोटल एरिया या फिर टोटल फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर पर आप स्लैब डाल रहे हैं, फर्स्ट रूफ होगी, उसके बाद ये हाफ, तो डेढ़ फ्लोर तक अगर आप ले रहे हैं, तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम लेंगे, तो उसमें क्या रेशियो लेंगे आप, 1:1:M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो उसमें क्या होगा, 1:8:3 का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो 9 इंच बाई 12 इंच का भी ले सकते हैं इसमें कॉलम, तो मोस्टली स्टैंडर्ड साइज लेने हैं तो ये लीजिए, ठीक है, 9 इंच बाई 12 इंच से आप नीचे नहीं ले सकते हैं, तो 9 बाई 9 डिपेंड करता है आपके लोड स्ट्रक्चर पर, ठीक है, लोड स्ट्रक्चर एंड एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपकी एक टेबल है, ये क्या है, एक रफ डिज़ाइन है। सबसे पहले कि आप अगर कॉलम का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि ये कीजिए कि आप डिज़ाइन कीजिए, अगर आप डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप, तो ये स्टोरी आप ले सकते हैं, एक रफ डिज़ाइन ऑफ कॉलम फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए क्या रहेगा, तो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है आपका, एक टोटल आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें आप कॉलम बीम स्लैब ले रहे हैं, ठीक है, वो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, 10 स्टोरी बिल्डिंग क्या रहेगी आपकी, ग्राउंड फ्लोर, इसमें 10 स्टोरी बिल्डिंग में क्या रहेगा आपका, ग्राउंड फ्लोर और प्लस 9th फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर प्लस 9th फ्लोर, इसमें ग्राउंड फ्लोर सम्मिश्रण है, 10 स्टोरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर 9th फ्लोर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th फ्लोर तक हो जाते हैं, और इसमें ग्राउंड फ्लोर समय, ठीक है। उसके बाद होता है 20 स्टोरी बिल्डिंग, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, या आपकी सपोज कीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, तो उसमें क्या है, 10 स्टोरी बिल्डिंग क्या रहेगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है,
ठीक है, आपका टॉप हो गया यहाँ पे। अगर आप टॉप ले रहे हैं तो यहीं पे आपने छोड़ दिया। इसके बाद आपने क्या बनाया, टेरेस बनाया, पैरापेट वॉल बनाई, तो ये आपका 10 स्टोरी बिल्डिंग है। तो 10 स्टोरी बिल्डिंग में आप क्या लेंगे, कॉलम का साइज़ क्या लेंगे, आपका ये लेवल रहेगा। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें लेवल लेंगे 1 to 10, एक फ्लोर से लेकर 10 फ्लोर तक। ठीक है, आप इसमें लेवल भी ले सकते हैं। ठीक है, और साइज ऑफ द कॉलम क्या रहेगा, आपका साइज़ क्या रहेगा, मोस्टली एमएम में रहेगा। ठीक है, अगर आप 1 से 10 फ्लोर तक आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कॉलम का साइज़ आप लेंगे 700 बाई 700 mm का। ओके, उसके बाद देखते हैं 20 स्टोरी बिल्डिंग। अगर आप बनाना चाह रहे हैं 20 स्टोरी बिल्डिंग का, तो मोस्टली सबसे पहले क्या करना, आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सेफ देखना कि ये साइज़ आप 1 से 7 फ्लोर तक आपका सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ये वाली जो बिल्डिंग है ये आपकी क्या है, 20 स्टोर बिल्डिंग, 20 मंजिल की आपकी बिल्डिंग है, और उसमें क्या करना है, 1 से 7 बिल्डिंग तक, 1 2, आपका ये 7 स्टोर बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 फ्लोर, 1 2 3 4 5 6 और ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो आपके 7 फ्लोर तक आपको क्या करना है, 7 फ्लोर तक आपको करना है 750 का कॉलम का साइज रहेगा। यहाँ पे कॉलम को प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबसे पहले कि बेटर करना है कि आप ये ग्रिड लाइन भी बना लें, ये प्लान आप बना लें कि लेआउट प्लान आपके लिए बेटर रहेगा कॉलम प्रोवाइड करने के लिए। कॉलम का साइज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम का चेंजेस भी रहेगा। मैंने एक ड्राइंग बताई है जो हमारी साइट पे यूज़ हो रही है, तो वो कॉलम का साइज क्या रहेगा, उसमें रेनफोर्समेंट क्या रहता है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी चेंजेस होता रहता है रेनफोर्समेंट का एंड कॉलम साइज का, तो वो कॉलम को स्टडी ड्राइंग देख लीजिए जो हमारी साइट पर यूज हो रही है, वो वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो 7 फ्लोर तक आपका कॉलम का साइज रहेगा 700 बाई 700+ mm का मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आपका 8 से 14 फ्लोर तक, आपका उसके बाद क्या हुआ, 8, तो ये आपका क्या हुआ, 8 फ्लोर हो गई है। ठीक है, 8 के बाद आपका जो भी रहेगा 14 फ्लोर तक का साइज़ कॉलम का रहेगा 600 बाई 750। यहाँ पे स्टार्टिंग से आपका 750 750 कॉलम का साइज है, तो अगेन आपका चेंज हो जाएगा कॉलम का साइज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेनफोर्समेंट भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे कॉलम का साइज रहेगा। उसके बाद अगर आप चेंजेस ले रहे हैं 8 से 14 फ्लोर तक, क्या लोड कम हो जाता है, और सबसे ज़्यादा लोड 1 से 7 बिल्डिंग तक रहता है। ठीक है, जो 20 फ्लोर तक, 20 मंजिल का, 20 मंजिल का बिल्डिंग का लोड होता है, फ्लोर 1 पे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकंड पे भी ज़्यादा रहता है, उसके बाद कम होता चला जाता है, जो डेड लोड होता है कॉलम का और स्लैब का, तो वो सबसे ज़्यादा 1 पे पड़ता है, उसके बाद 2 पे फिर कम होता चला जाता है, 1 पे सब इस टोटल ऊपर का जो लोड होता है यहाँ पे पड़ता है, तो कॉलम की बकलिंग यहाँ पे खतरा रहता है यहाँ पे नहीं रहने के लिए, तो इसलिए कॉलम का साइज बढ़ा देते हैं, और साथ के साथ इसका हम जो रेनफोर्समेंट है वो भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम 7 फ्लोर के बाद, यहाँ पे रेनफोर्समेंट कॉलम का साइज भी कम कर देते हैं, क्योंकि ये लोड जो पड़ रहा है इसका यहाँ पे पड़ रहा है, इसके बाद जो लोड यहाँ पे आ रहा है, तो ऊपर टॉप जितने भी ऊपर फ्लोर है वो उसका लोड यहाँ इस कॉलम पे आ रहा है, इन कॉलम पे आ रहा है, तो कॉलम का साइज रहेगा 750 से 600 से 750 का बीच में रहेगा, कॉलम का साइज़ हम घटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट का भी साइज़, रेनफोर्समेंट भी हम घटा देंगे, कि डायमीटर अगर आप आउटर से आउटर 25 mm का ले रहे हैं, तो फिर आउटर से आउटर हम 20 mm का ले देंगे, फिर इनर जो, फिर कॉलम के जो इनर का डाया है वो भी रेनफोर्समेंट कम कर देते हैं, वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर पे एंड लोड पर। ठीक है, लाइव लोड एंड डेड लोड, फिर अर्थक्वेक लोड, डिफरेंट डिफरेंट लोड होते हैं, उसके बेस पे ही डिजाइन करते हैं कॉलम का, फिर स्लैब का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 15 से 20 फ्लोर, ये आपका क्या बचा, आपका ओनली 5 फ्लोर, 6 फ्लोर बचा, 6 फ्लोर में आपको क्या कॉलम का साइज रहेगा, 415 to 450। ठीक है, आपका ये यहाँ पे सपोज कि आपने यहाँ तक ये आपने फ्लोर डाल दिया यहाँ पे 14 तक आ गए, इसके बाद आप शुरुआत हो गई 1500 से 1700, तो जस्ट यहाँ पे जैसे ही आएंगे आप कॉलम का साइज़ बढ़ा देंगे यहाँ से, इसका कॉलम का साइज़ रहेगा यहाँ पे ग्रिड लाइन में आप दिखा देंगे, तो यहाँ पे 450 बाई 450 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी 20 स्टोरी के लिए यहाँ पे शो कर दिया है, अगर आप 1 से 7 फ्लोर तक जा रहे हैं तो कॉलम का साइज़ ये रहेगा, अगर आप उसके बाद 8 से 14 फ्लोर पर जा रहे हैं तो कॉलम का साइज़ आप घट जाएगा, चौड़ाई जैसे सेम रहेगी 750 बाई 750 है, तो ये थोड़ी चौड़ाई ये घट जाएगी, तो 600 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वाला लोड, ये आ जाता है आपके पास 15 to 20 फ्लोर पे, तो कॉलम का साइज़ ये साइज़ घट जाता है और ये साइज़ घट जाता है लेंथ एंड विड्थ।
ठीक है, ब्रेथ एंड विड्थ दोनों घट जाती है इसकी। ओके, तो 40x40x50 का रहेगा ये साइज, क्या टोटल क्या रहेगा आपका एम एम में ही है। कॉलम और साइज हमेशा ये आपका एम एम में गिवन है, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा एम एम में, इंच में, फिट में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 30 स्टोरी बिल्डिंग, अगर डिज़ाइन कर रहे हैं 30 स्टोरी बिल्डिंग के लिए तो वहाँ पे सेफ लोड क्या रहेगा आपका, जो रफ डिज़ाइन रहेगा 1 to 10, 1 से 10 फ्लोर तक। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं बिल्डिंग का तो ग्राउंड फ्लोर प्लस 9 फ्लोर, तो 10 फ्लोर तक है तो ग्राउंड फ्लोर प्लस 9 फ्लोर, तो आपका ये क्या हुआ 10 स्टोरी बिल्डिंग। तो 10 स्टोरी तक आपका कॉलम का साइज क्या रहेगा 800x800। 800 हमने साइज इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जो 30 फ्लोर तक है टोटल लोड हमारा कॉलम पर यहाँ पर आता है, इस साइज पर आता है। ऊपर का जितने 10 मंजिल से ऊपर जितनी बिल्डिंग है, जितने भी लेवल है, वो आपका लोड यहाँ पे आ रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, तो बकलिंग का वो खतरा रहता है। ऐसे बनने बचने के लिए हम कॉलम का साइज बढ़ा देते हैं, लोड आपका सेफ रहेगा, कॉलम आपका ये लोड सेफ ले लेगा, ठीक है। उसके बाद देते हैं 11 से 20 तक, अगर आपका जो कोल बिल्डिंग है 10 तक तो आपने ले चुके हैं कॉलम का साइज, उसके बाद इसके बाद आप फ्लोर पर गए, यहाँ पे आपने कॉलम का साइज लिया तो ये 650x650 का आपने घटा दिया, रेनफोर्समेंट भी घट जाता है, आपका कॉलम वाला साइज भी घट जाता है। उसके बाद देखते हैं 21 से 30, अगर आपका फ्लोर है 21 से 30 फ्लोर पे आप गए तो उसमें कॉलम का साइज आपका घट जाता है 470x470, ठीक है, 470x470 आपका ही एम एम में रहेगा, जो भी आपका कॉलम का साइज है ये आपका एम एम में रहेगा। रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे शो कर देगा आपको ग्रिड लाइन में आपका, या टेबल बना देता है कॉलम का साइज। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अगर रफ डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप घर बना रहे हैं तो आप उम्मीद लगा दें कि मुझे कॉलम का साइज क्या रखूँ, मैं कॉलम का साइज क्या देना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप रफ डिज़ाइन कर रहे हैं तो, या फिर उसके बाद देता हूँ मैं आपको डिस्टेंस, कॉलम का डिस्टेंस हमें मिनिमम क्या रखना चाहिए, तो उसमें हम बीम की डेप्थ क्या रख देते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।